हाय फ्रेंड्स, सुजीत राज के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ, अगर फोन पे में आपका बैलेंस चेक नहीं हो रहा है तो उसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। हुआ क्या है, दो दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है, फोन पे आप चला रहे होगे, फोन पे में बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, या फिर किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, अगर आपका बैलेंस कट भी जा रहा है तो अगले के पास जा नहीं पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हो। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं अपने फोन पे ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं अपने यहाँ पर फोन पे को ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि मैं अपना फोन पे ओपन कर लिया हूँ, देख सकते हो मैंने फोन पे अपना ओपन कर लिया। फोन पे ओपन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद चेक बैलेंस पे हम जाते हैं, तो चेक बैलेंस पे क्लिक करते हैं। चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो हम इस पे क्लिक करेंगे, अपना जो कोड है वो कोड हम डाल देते हैं। यहाँ पे कोड डालने पे देखते हैं ये चेक हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत लोगों ने बोला पेटीएम में भी हो रहा है, गूगल पे में, मैं तीनों को ओपन करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, अब क्यों कुछ लोग का ये चल रहा है कुछ लोग का नहीं चल रहा है ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओनली अब देख सकते हो फिचिंग बैलेंस लिख रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ कुछ होता है या नहीं होता है। आपको लाइव में ही दिखा रहा हूँ, मैं कोई वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ। अब दिखा देता हूँ इसमें क्या, देख सकते हो लिख दिया है टेक्निकल इशू स्टेट बैंक, योर रिक्वेस्ट फेल ड्यू टू टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। यहाँ लिखा है, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, आपको पेटीएम भी ओपन करके यहाँ तक दिखा देता हूँ कि पेटीएम में चल रहा है मेरा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला पेटीएम में भी सर बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, तो मैं पेटीएम भी ओपन कर लिया हूँ। पेटीएम पे बैलेंस चेक पे जाएंगे, अब बैलेंस चेक पे मैं क्लिक किया, अब बैलेंस चेक पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस चेक हो रहा है, या बैलेंस मुझे बता भी रहा है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अगर फंड ट्रांसफर की बात है तो देख सकते हो मैंने फंड ट्रांसफर भी किया है बहुत, और यहाँ फंड ट्रांसफर भी हो रहा है सबका। तो ये प्रॉब्लम केवल इस फोन पे कुछ लोग के साथ क्यों है, फोन पे में हो रहा है, पेटीएम में हो रहा है, तो इसका हुआ क्या है, जैसा कि मैं गूगल पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया और SBI सर्वर डाउन प्रॉब्लम टुडे लिख दिया, मैंने देख सकते लिख दिया। इसके बाद डाउन डिटेक्टर आता है, डाउन डिटेक्टर मतलब जो सभी बैंक को डिटेक्ट करता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है नहीं है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे डाउन टू डिटेक्टर पर, देख सकते हो यूजर रिपोर्ट इंक्लूड प्रॉब्लम स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक का प्रॉब्लम दो दिन से चल रहा है, क्योंकि दो दिन से होलीडे चल रहा है, सैटरडे भी बंद था, संडे भी बंद था, दो दिन से बंद था, दो दिन से ही सर्वर इसका फेल हो चुका है। जैसा कि नीचे आते हैं, नीचे आके आपको दिखाते हैं, देख सकते हो यहाँ रोज रिपोर्ट हो रहा है, अनलिमिटेड रिपोर्ट किया जा रहा है इस पे, क्योंकि इसका सर्वर डाउन है और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। देख सकते हो इतना रोज रिपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो लाल वाला बन रहा है उसका रोज रिपोर्ट हो रहा है। तो हम नीचे आते हैं, नीचे आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग आपको बिल्कुल ठप हो चुका है, फंड ट्रांसफर है तो 25% प्रॉब्लम चल रहा है, ऑनलाइन लॉगिन तो हो जा रहा है, लेकिन इसलिए लॉगिन का ओनली 9% है कि लॉगिन हो रहा है लेकिन बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो रहा है और ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपका SBI से है और बाकी बैंक से नहीं है, क्योंकि मैंने पेटीएम ओपन किया तो पेटीएम में ये प्रॉब्लम नहीं था, तो क्योंकि पेटीएम बैंक मेरा जुड़ा हुआ था। अगर SBI इसमें जुड़ा हुआ होता वो भी बैलेंस नहीं बताता, क्योंकि SBI का ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, तो बोले थे आज मंडे है, मंडे की इवनिंग तक ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, क्योंकि ये दो दिन से ये बंद बैंक है इसलिए ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए सर्वर इशू चल रहा है, तो इसलिए दो दिन आपको इवनिंग तक का इसका वेट करना पड़ेगा, इवनिंग तक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर किसी, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था जैसे फ़ोनपे पर कि मैंने सर बैलेंस किसी को भेज दिया, वो बैलेंस मेरा कट भी गया लेकिन अगले पास गया नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए प्रॉब्लम है, ये आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि मैं हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, हिस्ट्री मैंने दिखाया, आप देख सकते हो मुझे, मैंने कल ही पेड़ एक को किया था, वो पेड हो गया, क्योंकि मैं यही चेक कर रहा था कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये पेड पहला बार रुक गया था ये, और सर्वर मेरा बैलेंस यहाँ से कट गया लेकिन अगले पास नहीं गया था। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, इस पर जैसे क्लिक किया, आपने जो भेजा होगा इसका हिस्ट्री होगा, वो हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट फोनपे सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ हेल्प का ऑप्शन मिलेगा और व्यू टिकट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देख सकते हो ये फोनपे एक तरह से मैसेज है, उसी तरह यू रिसीव बैंक हैज एक्सेप्ट 3000, ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अगर आपको ये प्रॉब्लम यहाँ से हुआ है, आपका दोस्त ने पैसा भेज दिया आपके पास नहीं आया, तो आपको यहाँ करना क्या है, अमाउंट नोट क्रेडिट टू रिसीवर, यहाँ पर क्लिक आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हो कुछ इस तरह का ऑप्शन आया। इसके बाद लिख रहा है
सोल्ड भी क्रेडिट सुजीत कुमार रिसीवर बैंक अकाउंट बाइंड नाउ। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा तो पैसा जा चुका है, इसलिए लिख रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा चुका है। इसके बाद भी अगर आपके नहीं गया तो यहाँ पर देख सकते हो लिखना है नो आई विल आस्क रिसीवर चेक बैलेंस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये भी क्लिक करोगे तो इसके बाद एक व्यू टोकन आपको मिल जाएगा, एक टोकन मिल जाएगा। इस टोकन को आपको 1 से 2 घंटा वो क्लियर कर देगा, या तो बैलेंस जिसने भेजा उसके पास वापस चला जाएगा और या फिर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ईवी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।